हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। 69 हज़ार शिक्षक भर्ती, बड़ा अपडेट। आज बड़ा दिन, सुनवाई का, किसकी जीत, सरकार जीतेगी या भी तो डबल बेंच भी। सरकार जीतेगी तभी तो डबल बेंच में। जानिए क्या कारण है, किसकी जीत किसकी हार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे हमको पहले कुछ चीज़ें बता देते। एक शिक्षा मित्र रिजवान अंसारी, जिसका काम है कि हर शिक्षक भर्ती में को फंसाना है, सालों से ये कोर्ट में ही दिखता है, जबकि इसे 10,000 प्रतिमाह बेसिक शिक्षा विभाग पढ़ाने को दे रहा है, ना कि कोर्ट में उपस्थित रहने को। ये ऑडियो जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देता है, ना तो टेट पास है ना तो SC TET पास है। इसमें 68,500 के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती भी कोर्ट में फंसाने में कामयाब हो गया। हम सभी BEd BTC कटाप 90-97 पास मानसिक तनाव झेल रहे हैं। हमारा निवेदन है, कृपया इस व्यक्ति रूपी समस्या का निराकरण कर शीघ्र प्राथमिक विद्यालयों में योग शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करें। देखिए यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है। रिजवान चचा बहुत बड़ा चाणक है, यह अमित शाह से भी बड़ा चाणक है। सिर्फ एक दिन पहले जहाँ मन करता है उस बेंच में केस ट्रांसफ़र करा लेता है। वास्तव में योगी सरकार की नाक में दम करने वाला एकमात्र यही इंसान है। सरकार की सुनवाई चीफ जस्टिस बेंच में है, जब BEd कोर्ट एक नंबर में है। इसमें ऑलरेडी CJ साहब सुन रहे हैं, अतः सरकार वाली टैग ही करवा लो। देखिए सिंपल सी बात है, ये सब बातें तो जो होती रहती है। हम डबल बेंच जाने का सरकार का कारण है कि सरकार का पक्ष मजबूत है, तभी वो डबल बेंच जा रही है। जब सरकार कह रही है कि हम स्वतंत्र हैं इस पर डिसीजन लेने के लिए, तो आप हमारे इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, सरकार कोर्ट जाने से पहले, डबल बेंच जाने से पहले कुछ सोच विचार कर डबल बेंच गई है। सरकार हारने के लिए डबल बेंच नहीं गई होगी निश्चित रूप से। सरकार के पास कुछ बड़े तर्क होंगे, सरकार को जीत के प्रति आश्वस्त होगी, इसी वजह से वो डबल बेंच गई है। तो ये सब है, उम्मीद है कि जल्दी यह सुनवाई शुरू हो जाएगी और आपका केस सबसे पहले सुना जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। और जीतने की बात है तो देखिए, ज़्यादातर अभी भी उम्मीद है कि 90-97 ही जीतेगा, बाकी तो कोर्ट का फैसला आप लोग के सामने होगा। लेकिन इस समय ये दिख रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन अभी तो ये है कि एक बार फिर डबल बेंच में इसकी पूरी सुनवाई होगी। करीब 2 महीने का वक्त लगेगा, तब जाके इस पे कोई डिसीजन आएगा। आज तो केवल इतनी सुनवाई होनी है कि ये कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, क्या विस्तार से सुनवाई होगी या उसी जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया था राजेश चौहान जी ने, उसी के बेस पर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।